आजादी का इतिहास अनेक ऐसे शूरवीरों और उनके पराक्रम से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने शौर्य और साहस से न केवल अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया बल्कि इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित करा गए। ऐसे ही शूरवीर थे राजगुरु, जिन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर देश के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। राजगुरु भारत के उन महान क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए बलिदान दिया। 23 मार्च को अमर शहीद भगत सिंह के साथ ही उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। भगत सिंह और सुखदेव का नाम तब तक अधूरा है जब तक उनके साथ राजगुरु का नाम न लिया जाए। वतन के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ जाने वाले शहीद थे राजगुरु, जो आजादी का स्वप्न हृदय में लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह के साथी और क्रांतिकारी राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खेड़गांव में हुआ था। मराठा परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजगुरु के पिता का नाम हरि नारायण और माता का नाम पार्वतीबाई था। राजगुरु मात्र 6 वर्ष के थे तभी उनके सिर से पिता का साया छिन गया। पिता के निधन के बाद राजगुरु पढ़ाई के लिए वाराणसी आ गए, जहां उनकी भेंट कई क्रांतिकारियों से हुई। पढ़ाई के दौरान ही अंग्रेजों के अत्याचार और जुल्म को देखकर राजगुरु का मन उनके खिलाफ नफरत से भर गया और वह देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का सपना देखने लगे। तीर कमान, निशानेबाजी और कुश्ती में निपुण राजगुरु महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से काफी प्रभावित थे और इसी के नाते वह सिर्फ 16 साल की आयु में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए थे। राजगुरु और उनके साथियों का एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार और अधिकारियों के मन में भय पैदा करना। इसके लिए वह घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते और मां भारती की स्वाधीनता के लिए जनमानस को तैयार करते थे। अन्य क्रांतिकारियों की तरह ही राजगुरु का मानना था कि आजादी सशस्त्र क्रांति के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए उनके विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। राजगुरु को उनके साथियों के बीच रघुनाथ के छद्म नाम से भी जाना जाता था। क्रांतिकारी गतिविधियों में रहते हुए राजगुरु की भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई, जिसके बाद तीनों परम मित्र बन गए। राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर दिसंबर 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। दरअसल यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला थी, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त अंग्रेजों के लाठीचार्ज से हुई थी। इस हत्या के बाद राजगुरु नागपुर चले गए, लेकिन 1929 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजगुरु पर भगत सिंह और सुखदेव के साथ ही लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को इस वीर सपूत को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। देश को आजाद कराने में इन महान शहीदों का योगदान और बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता।